विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद अब टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने शुक्रवार को दूसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। ममता के शपथ ग्रहण समारोह में एंटी मोदी धुरी ने भी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। नीतीश, लालू, अखिलेश और केजरीवाल के एक मंच पर आने से 2019 के सियासी समीकरणों को लेकर भी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कोलकाता के रेड रोड पर हुए शानदार समारोह में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने लगातार दूसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 35,000 लोगों की मौजूदगी में गवर्नर के एन त्रिपाठी ने ममता को सीएम पद की शपथ दिलाई। ममता के साथ 41 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। ममता के मंच से देश की सियासत में बनते नए समीकरणों का भी संकेत दिया गया। ममता के मंच पर मोदी विरोधी नेताओं का जमघट नजर आया। एंटी मोदी सियासत की आवाज माने जाने वाले तमाम नेता ममता दीदी के मंच पर मौजूद थे। मंच पर एक तरफ यूपी के सीएम अखिलेश यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार बैठे थे तो दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, वहीं आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूख अब्दुल्ला के साथ मंच पर विराजमान थे। ममता बनर्जी जी को बधाई देने आया हूँ। पश्चिम बंगाल की जनता भी बधाई की पात्र है और ममता जी भी। भाजपा को, संघ परिवार को दिल्ली के गद्दी से उतारना बहुत लाजमी और जरूरी हो गया है। समय रहते हम लोग नहीं चेते, एकत्रित नहीं हुए तो भाजपा संघ परिवार देश का टुकड़ा टुकड़ा करवा देगा। आई थिंक देयर आर नंबर ऑफ पीपल, ममता जी इज ऑल्सो वन ऑफ देम। शी इज गोइंग टू ऑल्सो वर्क फॉर यूनाइटेड इंडिया, फॉर सेक्युलर इंडिया, फॉर डेवलपमेंट ऑफ एवरी सिंगल इंडिविजुअल ऑफ दिस नेशन। सवाल ये है, जिस तरह ममता के मंच पर ये तमाम दिग्गज जुटे तो क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी को चुनौती देने के लिए ये साथ आएंगे? एंटी बीजेपी, एंटी कांग्रेस फ्रंट की अगुवाई के लिए नीतीश कुमार मजबूत दावेदार हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत हासिल करने से ममता का कद भी बढ़ गया है। वहीं अखिलेश यादव भी वक्त वक्त पर मुलायम का नाम पीएम पद के लिए आगे करते रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी लगातार पीएम मोदी पर सीधे हमला करते रहे हैं। उनकी इच्छा भी किसी से छिपी नहीं है। हालांकि 2019 अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन सियासत की खासियत भी यही है कि यहाँ दूर की कौड़ी पहले डाली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और तीसरे मोर्चे के बारे में चर्चा उठने पर अब सरकार की तरफ से सियासी निशाना साधा गया है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि लालू यादव अक्सर तीसरे मोर्चे के बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन ये ट्राइड, टेस्टेड और फेल्ड आइडिया है। फेडरल फ्रंट बना दो, तो मुझे आज कलकत्ते में किसी ने पूछा कि लालू जी ने कहा कि तृणमूल जीती है इसलिए फेडरल फ्रंट बनेगा। मैंने अंग्रेजी में उनको जवाब दिया, ये ट्राइड, टेस्टेड और फेल्ड आइडिया है। और वहीं कोलकाता में हुए ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में नेताओं के अलावा दूसरे क्षेत्रों के दिग्गज भी जुटे। कई उद्योगपति भी समारोह में मौजूद रहे। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी समारोह में मौजूद थे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ममता बनर्जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। अरे सामने चेहरा दी रखो।